अस्सलाम वालेकुम, वेलकम परदेसी लाइफस्टाइल में। आज भी मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक रेसिपी लेकर। आज बिल्कुल सिंपल मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है और आप सबके सामने स्क्रीन पे ये सब नज़र आ रही हैं चीज़ें। तो इस रेसिपी का नाम है, आज मैं बनाने जा रही हूँ चीज़ी सैंडविचेस। ठीक है, बहुत सिंपल रेसिपी है। सबसे पहले हम मसालों की तरफ जाते हैं। इसमें मैंने ये लिया है, ये नमक है, आधा चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि नमक ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम लोग इसमें और भी मसाले डालेंगे। ये वाइट पेपर है, ये ब्लैक पेपर है। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ब्लैक पेपर से भी बना सकते हैं। ये 250 ग्राम मैंने चिकन लिया और इसको बोनलेस में इस तरीके से काट लिया है। और ये कुछ आपके सामने वेजेज़ नज़र आ रही हैं। इसमें ये मैंने गाजर ली है, इसकी जुलियन कटिंग कर ली है। ये शिमला मिर्च ली है, एक ही गाजर थी, एक ही शिमला मिर्च थी। ये कुछ हरी मिर्चें ली हैं, ऑप्शनल है, अगर आप स्पाइस पसंद करते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी बंद गोभी ली है, सोया सॉस है और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये चीज़ भी ऑप्शनल है, ये मैंने मोज़रेला चीज़ ली है। अगर आप चीज़ डालना चाहें तो आप, क्योंकि इस डिश का नाम ही चीज़ी सैंडविचेस है तो चीज़ इसमें डलेगी। अगर आप चीज़ के बगैर बनाएंगे तो भी ये मज़े के बनेंगे। ठीक है, चलाएं स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। जी, तो पैन मैंने रख दिया है थोड़ा सा हीट अप होने के लिए। इसको ऑयल से ग्रीस करते हैं। ठीक है, ऑयल इतना ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना डालें कि चिकन हमारा इसमें सौते हो जाए। लहसुन अदरक और इकट्ठा चिकन मैंने डाल दिया। ठीक है, अब इसको इसके साथ फ्राई करते हैं। ठीक है, देखिए चिकन कुछ इस तरीके से इसका कलर चेंज हो गया। थोड़ा सा और इसको करेंगे, फिर इसके बाद हम अपनी वन बाई वन सारी वेजेज इसके अंदर डालेंगे और फिर अपने स्पाइस डाल के इसको रेडी करते हैं। तो ये देखिए, इसके अंदर मैंने अब डाल दी है जूलन कटिंग में, ये गाजर डाल दी है। लेकिन आपने इन सब चीज़ों को हाई फ्लेम पे करना है, आपको इसकी आवाज़ें शून शून की भी आवाज़ें आ रही होंगी। ठीक है, गाजर को थोड़ा सा सौते करेंगे। वेजिटेबल्स को उतना नहीं हम पकाएंगे, वरना इनका कलर चला जाएगा, फिर वो वेजिटेबल्स के जो ये कलर चला जाता है फिर वो प्रेजेंटेशन में प्यारे नहीं लगते। ये साथ ही मैंने शिमला मिर्च डाल दी है गाजरों की 2-3 सेकंड्स के बाद ही। ठीक है, अब इसको सौते करते हैं। ये देखिए, मैंने ऑफ कैमरा ही इसमें नमक, वाइट पेपर और ब्लैक पेपर डाल दिया था। साथ ही मैंने सोया सॉस डाल दिया। सोया सॉस डाला है तो इसलिए मैंने नमक की क्वांटिटी कम रखी, क्योंकि सोया सॉस भी ऑलरेडी सॉल्टी होती है। ठीक है, अब इस तरह से इसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, सब्जियों को मैं इतना नहीं ओवर कुक नहीं करती हूँ। अब हम इसके बाद इसके अंदर बंद गोभी डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे और फ्लेम अपना ऑफ कर देंगे और हमारा ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर हम चलेंगे सेकंड स्टेप की तरफ। जी, तो ये देखिए मेरी ये कंप्लीट होगी फिलिंग इसकी। ये कम अज़ कम जो फिलिंग है ना, ये 4 to 5 पीपल्स के लिए फिलिंग है। और इसमें मैंने मतलब एक गाजर, एक शिमला मिर्च और थोड़ी सी बंद गोभी मैंने डाली थी और एक हरी मिर्च डाल ली। अगर आप टू स्पाइस पसंद करते तो आप इसमें कूटी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे चूँकि चाइनीज़ में कूटी मिर्च इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी मुझे ग्रीन चिली अच्छी लगती है, तो आप इसको अपने कर सकते हैं। ठीक है, चलें सेकेंड स्टेप की तरफ चलते, इसकी फिलिंग की तरफ आते हैं। तो अब हम अपने सेकेंड स्टेप की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप्स के लिए जो हमें चाहिए होंगी, ये फिर आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, ब्रेड चाहिए होगी, मैंने वाइट ब्रेड ली है। ठीक है, और ये फिलिंग जो हमने तैयार की थी, और ये मैंने सॉस तैयार की है इस मायोनीज़ की मदद से। आपके पास जो मायोनीज़ मौजूद है आप वो डाल सकते हैं। मैंने एक चम्मच मायोनीज़ डाला और कुछ मेरे पास ये साशे थे केचप के, आपके पास अगर केचप की बॉटल है आप वो डाल सकते हैं। और एक इसमें मैंने पिंच डाली काली मिर्च और साथ में एक ड्रॉप मैंने सोया सॉस का डाला और इसको अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया, तो ये इस तरह से आ गया। एक सैंडविच मेकर चाहिए एक अदद, क्योंकि सैंडविचेस को फिल करके इसको हम सैंडविच में बेक करेंगे चीज़ ऊपर से स्प्रिंकल करके। ठीक है, अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो आप इसको अपने घर में तवे पे भी बना सकते हैं। ठीक है, चलाएं अब सैंडविच की फिलिंग करते हैं। आपके सामने एक सैंडविच तैयार कर रही हूँ, मैंने इसके ऊपर पहले मायोनीज सॉस लगाई है, अब मैं फिलिंग रखती हूँ। एक मैं ऑलरेडी इसके अंदर रख चुकी हूँ। ठीक है, ये एक आपको दिखाने के लिए किस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए फिलिंग मैंने इसके ऊपर रख दी है। फिलिंग आप जितनी मर्जी रखना चाहे रख सकते हैं। सॉरी गाइज, मैंने आपको चीज़ बताई थी लेकिन चीज़ मैं इसमें नहीं डाल रही, क्योंकि वो चीज़ मैंने चेक की थी, मेरी चीज़ एक्सपायर हो गई थी, एक्सपायर डेट से नहीं डाली, मैं अब चीज़ के बगैर ही बना रही हूँ। ठीक है, मैंने इसके किनारे जो हैं ब्रेड के वो रिमूव नहीं किए, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके ऊपर रख दिए, अब मैं इसको बंद करती हूँ। बंद हो गया, अब ये इसकी लाइट ऑन होगी, अब ग्रीन लाइट का वेट करते हैं। तो ये देखिए मेरे सैंडविचेस की फाइनल लुक आपके सामने है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की भी रेसिपी पसंद आई होगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घरों में, और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी के साथ। अब मैं इसको ट्राई करूँगी, माय गॉड इट्स टू मच हॉट,
अभी नहीं मैं इसको बाइट कर सकती, लेकिन ये बहुत टेस्टी लग रहा है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।